नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ निगरानी विभाग ने कार्रवाई की है और उसके घर से करीब 4 करोड़ रुपया कैश बरामद किया गया है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, 4 करोड़ रुपये कैश बरामद किए गए हैं। पटना में पोस्टेड ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के कई ठिकानों पर निगरानी विभाग सुबह से ही छापेमारी कर रही थी, जिसमें 4 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा कई गहने भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से जुड़े सूत्रों के अनुसार बरामद कैश करीब 3 से 4 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने अपना शिकंजा आज सुबह से ही कसना शुरू कर दिया था। इनके 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी अभी चल ही रही है, जिसमें पटना के सुल्तानगंज स्थित मलेरिया ऑफिस, इसी इलाके में स्थित इनका घर, पटना के ही गोला रोड में इनका प्राइवेट ऑफिस, गया में फ्लैट और प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज शामिल है। इन सभी ठिकानों पर निगरानी की अलग अलग टीम मौजूद है और कागजात से लेकर काफ़ी कुछ खंगाल रही है। सुल्तानगंज के घर से अब तक काफ़ी कुछ मिला है। जांच टीम से मिले डिटेल के अनुसार यहां से अब तक 2.5 किलो चांदी और 0.5 किलो से अधिक सोने की ज्वेलरी मिली है। हालांकि इसमें कुछ ज्वेलरी जितेंद्र कुमार के भाई की पत्नी के भी हैं। पटना के ही ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड में जितेंद्र कुमार ने एक फ्लैट खरीद रखा है। इन्होंने दूसरा फ्लैट झारखंड की राजधानी रांची में खरीद रखा है। जांच टीम का दावा है कि काली कमाई के जरिए अर्जित की गई चल अचल संपत्तियों से जुड़े और भी कागजात मिल सकते हैं। इसके बारे में काफी खुलासा हो सकता है। उनका सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दरअसल जितेंद्र कुमार अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे। आरोप है कि सरकारी नौकरी करते हुए जमकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। इनके खिलाफ राज्य सरकार के पास लगातार शिकायतें जा रही थी। इसके बाद ही मामला निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को के मुख्यालय पहुंचा। फिर एक टीम बनाकर जितेंद्र कुमार के ऊपर लगे आरोपों की जांच कराई गई, जिनमें इनके खिलाफ काफ़ी सबूत मिले। काली कमाई का मामला सही पाया गया। फिर निगरानी थाना में ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में 2 करोड़ से अधिक का FIR दर्ज किया गया। शनिवार को 5 अलग अलग टीम बनाई गई और फिर सुबह से 5 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 3 से 4 करोड़ रुपया इनके पास से बरामद हुआ है। अभी भी छापेमारी हो रही है और कहा जा रहा है कि और कैश मिल सकते हैं और कागजात मिल सकते हैं जमीन का। इसके अलावा 0.5 किलो चांदी और सोना भी इनके यहाँ से मिला हुआ है। तो तमाम ठिकानों पर लगातार छापेमारी हो रही है। अब देखना होगा कि निगरानी विभाग आज शाम तक या कल सुबह क्या कुछ खुलासा करती है और इनके पास से क्या कुछ बरामद होता है। ये बड़ी खबर है। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।